एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। स्टेज फ्राइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो परफॉर्मेंस जिनको करनी होती है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में होते हैं, वो ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस फ्राइट जो है काफ़ी लोगों में होता है और ये ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसके वजह से भी ऐसा होता है, जिसे हम सोशल फ्राइट डिसऑर्डर कहते हैं या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी हम उसे कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को भी होता है। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो आप मेरे पहले की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, तब मुझे भी फ्राइट होता था, मैं भी सोचती थी, मतलब बहुत ऐसे टंग ट्रेम्बल हो जाती थी, ठीक तरीके से वर्ड्स नहीं निकलते थे और कभी कभी कुछ भूल भी जाया करती थी। तो वो फ्राइट हमेशा, जब भी कोई फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा होता है तो उनमें वो फ्राइट होता है। तो इस सच इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो परफॉर्मेंस या स्टेज एंजाइटी जो होती है वो ये होती है कि जब भी किसी को स्टेज पर बोलने के लिए कहा जाता है या कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाता है तो वो ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्राइट होती है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस में होते हैं। ऐसे लोग जो अननोन हैं, जिन्हें वो नहीं जानते, ऐसी ऑडियंस जिन्हें वो कभी नहीं जानते हैं, एकदम उनके लिए न्यू है, उन लोगों के सामने उन्हें परफॉर्मेंस देने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, बजाय उनके जो कि काफ़ी फेमिलियर होते हैं। तो इन लोगों का ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकेंड टाइम जब भी वो परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो वो बहुत मतलब उनमें फ्राइट होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें हैबिट हो जाती है और वो फिर परफॉर्मेंस ठीक तरीके से कर पाते हैं, वहाँ पे उन्हें कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू चलती रहे, आपको हमेशा डर बना रहता है और कुछ सिम्टम्स होते हैं स्टेज फ्राइट के या एनजाइटी के, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन होता है, टेकीकार्डिया होती है, यानी कि आपकी दिल की धड़कनें जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज तेज बढ़ने लगती है, इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटी हैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाथों में पसीना आने लगता है, कुछ फेस नर्व्स टिक्स होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो चेंज होने लगते हैं, आपकी टंग जो है ट्रेम्बलिंग करने लगती है, मीन्स आप ठीक तरीके से वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं और कभी कभी आप भूल भी जाते हैं। तो इस तरीके से सिम्टम्स जो हैं स्टेज फ्राइट में होते हैं। इसके अलावा शटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ट्रेम्बलिंग होती है, आपके जो हैंड्स होते हैं, जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, लेग्स जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग होती है, और इसके अलावा वहाँ आपका जो माउथ है वो ड्राई माउथ होता है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं। कुल मिला के जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, बेचैनी घबराहट होती है और आपका मुंह हमेशा सूखा हुआ रहता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है। तो इस तरीके के स्टेज परफॉर्मेंस के टाइम पर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, या कभी जैसे कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उनमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, वो क्योंकि वो अननोन लोग होते हैं वहाँ पर, वो ठीक तरीके से प्रिपरेशन पूरी होती है पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी, मतलब होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारे फ्राइट्स हैं, एग्जामिनेशन फंक है, जिसमें कि अलग अलग मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर स्टेज परफॉर्मेंस पे या ऐसे लोगों के सामने जो आप फैमिलियर नहीं हैं, अननोन ऑडियंस है, वहाँ पर आपको अगर नहीं आप बोल पा रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो होम्योपैथी मेडिसिन है जेल्सिमियम। तो जेल्सिमियम में ये होता है कि वीकनेस काफ़ी लगती है, ड्राई माउथ होता है, डिजीनेस बहुत ज़्यादा होती है, टेकीकार्डिया बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटी हैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट होता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण हैं तो ये जो जेल्सिमियम है वो स्टेज परफॉर्मेंस जो देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं तो आप इसका एक डोज ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे आपको ले लेना है, यानी कि दो बूंद आपको सिर्फ टंग पे ले लेनी है, बस दैट्स ऑल। जैसे ही आप स्टेज पे जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप एकदम कूल डाउन हैं, आपको किसी भी तरीके का फ्राइट नहीं है, माइंड एकदम रिलैक्स है, माउथ भी अच्छी तरीके से है, कहीं कोई ड्राइनेस नहीं है, स्वेट नहीं आ रहा है, ट्रेमलिंग नहीं कर रही है, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाता है।
तो आपको हमेशा इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन जब भी कभी ऐसी सिचुएशन है जहां आप काफी ज्यादा डर रहे हैं, काफी ज्यादा एजिटेशन है, तो वहां पर आप जिप्सीमियम का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकती है। बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है, इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो जब भी कभी आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करिए। जिप्सीमियम 30 पावर में लेना है आपको, इससे ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है, 30 पावर में लेना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है। आप एक बार परफॉर्मेंस करने से पहले ले सकते हैं और जस्ट बिफोर द परफॉर्मेंस आप इसका एक डोज ले सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इसी तरह मेरी वीडियो को आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे लाइक का बटन भी है और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इसके अंत मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।